अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना जिले के विद्यार्थियों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद से विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश की राह कर देख रहे थे। शुक्रवार को माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां हाथों में हम हमारा हक मांगते विद्यालय में प्रवेश दो जैसे स्लोगन लिखी पोस्टर प्रदर्शन किया। डिप्टी कलेक्टर ज्ञापन सौंपकर विद्यालय शुरू करने की मांग की। विद्यार्थियों ने बताया कि 2 साल पहले प्रवेश दिया गया था, पर कोविड के चलते ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले छात्रों के लिए संभव नहीं है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही, स्कूल नहीं लग रही सर, वहाँ सुविधाएं नहीं है, कब तक सर सुविधा होगी, क्या नहीं नहीं सुविधाएं? देखो वो उच्च शिक्षा मतलब जो बड़े बच्चे हैं उनकी क्लासें तो लग रही है रेगुलर, जो छोटे बच्चे हैं उनके वहाँ पर स्पेस के लिए वहाँ पर नया परिसर बहुत सुविधायुक्त बना हुआ है, और पेयजल संबंधित इशू था तो वहाँ पर पाइपलाइन भी डल रही है, क्योंकि आसपास कहीं पर वो वाटर वाली प्रॉब्लम थी, दूर से लाइन ला के वो फंक्शनल होने वाला है और अब स्टार्ट कर देंगे। उसमें बल्कि बहुत सारी सुविधाएं परिसर में चल, बच्चों के कहना है कि सर मोबाइल गांव में चलते नहीं, अभी ऑनलाइन उनको परीक्षा पढ़ी करना पड़ रही है। नहीं नहीं परीक्षा तो नहीं, अभी स्टार्ट ही हो रहा ना भाई, अभी तो सेशन शुरू ही हुआ है, एजुकेशन का सेशन शुरू हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तक सर 2 साल से वो हो स्टार्ट फंक्शन कक्षा में तुरंत उसमें फाइव मिनट आइए, मैं और दिखा देता हूँ क्या इसकी बहुत ही जल्द अभी शुरू होने। नेटवर्क का तो वो एक इशू है, एक दूर संचार विभाग का है, उसमें ऐसे इशू नहीं है, क्योंकि नेटवर्क तो प्राय सब जगह है, लेकिन अपन ये चाह रहे हैं कि उनका परिसर है वो सुविधा कभी कर हो ही गया पेयजल की होती है। आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय में सभी छात्रों का ये एडमिशन हुआ था 2020, 2019 और 2021-22 सभी छात्र हैं, तो संभाग लेवल का सबसे बड़ा स्कूल खरगोन में बन के तैयार है, पर वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस कारण 29 तारीख को भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था 5 दिन का, तो भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर वापस हम लोग आज उनके आवास से भी गए थे, सभी बच्चे गए थे, और आज हम उन्होंने बोला कि वहाँ नहीं मिलेंगे तो कलेक्टर कार्यालय आए। कलेक्टर कार्यालय इसलिए आए कि बच्चों का भविष्य हमें अंधकार में लग रहा था, ऑनलाइन क्लासें चल रही है, नेटवर्क की समस्या गांव में है, और बच्चे 2-2, 3-3 घंटे तक मोबाइल से कनेक्ट रहते हैं, तो उनका दिमाग से भी और चिड़चिड़ा स्वभाव भी होने लग गया है इनका, इसलिए हम मांग लेके आए थे कि जल्द से जल्द आवासीय विद्यालय शुरू करें, बस यही। अभी साहब से मिले आपके आश्वासन मिला? आश्वासन साहब ने दिया कि 2-4 रोज में जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था दूर से करवा रहे हैं, पानी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कि आश्वासन दिया जल्द दुरुस्त पानी की व्यवस्था हो जाएगी, वैसे ही हम आवासीय विद्यालय स्टार्ट करेंगे। संतोष कालसरा के लिए। क्या नाम है आपका? संतोष कालसरा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।